स्मारक घोषित करने के बजाय आदिवासी को घुमरा कर मानगढ़ धाम बुलाया और मुख्यमंत्री के नाते अशोक जी और हम साथ साथ काम करते रहे और अशोक जी हमारी जो मुख्यमंत्रियों की जमात थी उसमें सबसे सीनियर थे, सबसे सीनियर मुख्यमंत्री में हमारी यही आशा है और अभी भी हम जो मंच पे बैठे हैं चार राज्यों को मिलाकर उसमें भी अशोक जी मध्य प्रदेश सीनियर मुख्यमंत्रियों में से एक है। सात राज्य को मिलाकर एक बिल प्रदेश बनाया जाए इस कार्यक्रम में उपस्थित रहना सुरक्षित रह सके। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में हम सभी का दोस्तों बिल प्रदेश चैनल पर नए हो तो बिल प्रदेश चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमारे लिए सुखद एंड तक देखें ताकि आप लोगों को पता लगे अगर असली आदिवासी हो तो जनजातीय वीर वीरांगनाओं के तप त्याग तपस्या और देशभक्ति का प्रतिबिंब ही होगा कि आदिवासी समाज के ऐसे ये राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लोगों की समाज साझी विरासत बनता है कि हमारे आदिवासी समाज परसों चार राज्यों यानी 30 अक्टूबर को बनाया जाए और गोविंद गुरु जी की पुण्यतिथि बनते जा रहे हैं। मैं सभी देशवासियों की तरफ से गोविंद गुरु जी को पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं गोविंद गुरु जी की तप तपस्या उनके विचारों और आदर्शों को प्रणाम करता हूं। भाई और बहनों, गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए मानगढ़ का जो क्षेत्र गुजरात में पड़ता है मुझे उसकी सेवा का सौभाग्य मिला था। उसी क्षेत्र में गोविंद गुरु ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष भी बिताए थे। उनकी ऊर्जा उनकी शिक्षाएं आज भी इस मिट्टी में महसूस की जा रही हैं। मैं विशेष रूप से हमारे कटारा कनकमल जी का और यहां के समाज का भी आज सर झुका करके नमन करना चाहता हूं। जब मैं पहले आता था एक पूरा वीरान क्षेत्र था और मैंने आग्रह किया था वन महोत्सव के द्वारा, आज मुझे इतना संतोष हुआ चारों तरफ मुझे हरियाली नजर आ रही है। आपने पूरे श्रद्धाभाव से वन विकास के लिए जो काम किया है, इस क्षेत्र को जिस प्रकार से हरा भरा बना दिया है, मैं इसके लिए यहां के सभी साथियों का हृदय से आज मैं अभिनंदन करता हूं। साथियों, उस क्षेत्र में जब विकास हुआ, जब सड़कें बनी, तो वहां के लोगों का जीवन तो बेहतर हुआ ही, गोविंद गुरु की शिक्षाओं का भी विस्तार हुआ। साथियों, गोविंद गुरु जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी भारत की परंपराओं के, भारत के आदर्शों के प्रतिनिधि थे। वो किसी रियासत के राजा नहीं थे, लेकिन फिर भी वो लाखों लाखों आदिवासियों के नायक थे। अब ऐसे ही आदिवासी अपने जीवन में मिलता ही रहेगा। उन्होंने अपना परिवार खो दिया, लेकिन हौसला कभी नहीं खोया। उन्होंने